हेलो एवरीवन, मैं रोजी जाफरी और आप ये देख रहे हैं, ये है स्विस चीज वाइन। और इसे मोंस्टेरा पेटरीज भी कहते हैं, मोंस्टेरा पेटरी। और ये इसकी पत्तियों की कटिंग देख रहे हैं आप, ये जो इस तरह की पत्तियों का डिज़ाइन है वो इसलिए है कि ये स्विस चीज वाइन की तरह, सॉरी स्विस चीज की तरह है और इसीलिए इसका नाम स्विस चीज वाइन पड़ा है। और इसे उन सब चीज़ों की ज़रूरत है जो एक आम पौधों को चाहिए, जैसे इसे मॉर्निंग लाइट चाहिए, सनलाइट, और वाटर भी चाहिए। और इसे हम कंपोस्ट भी देंगे या लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देंगे। और लिक्विड फर्टिलाइज़र का हम स्प्रे कर सकते हैं इनकी रूट पे, जब हम इसे इस तरह स्प्रे से इस पर स्प्रे कर सकते हैं। और मिट्टी हम वैसे ही लेंगे, सिंपल सी, जिसका ड्रेनेज सही हो, पानी उसमें ठहरे नहीं, जो हम आम पौधों के लिए बनाते हैं जैसे कंपोस्ट और सैंड वगैरह मिलाकर गमले में तैयार करें अपनी मिट्टी को, और उसी में हमें इसे लगाना है। और अगर इसे आप शीट में लगाना चाहते हैं तो आप अपने गमले को सनी विंडो के पास रखें ताकि इसे लाइट, इनडायरेक्ट लाइट मिलती रहे, और इसे बिल्कुल तेज़ धूप में नहीं रखें। और ये कैलिफोर्निया में भी पाया जाता है, वैसे आप इसे आम तरीके से नहीं देखेंगे, इनकी पत्तियों का डिज़ाइन जो है कुछ अलग है, आप देख ही रहे हैं। और ये मेरे बेटे ने मुझे एक हफ्ता पहले इसकी कटिंग लाकर दी थी। दरअसल ये कटिंग यहाँ की नहीं है, मेरे पास की नहीं है, ये कटिंग आई है दार्जिलिंग से, सॉरी नैनीताल से। और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो इसे मैंने इस टब में रख दिया है, और आज संडे है और ये मैं ठीक पिछले संडे को की रात को मैंने इसे रखा था टब में, तब से इसे 7-8 रोज़ हो गए हैं। तो ये इसकी पत्तियाँ का रंग थोड़ा बिगड़ गया, आप देख रहे हैं कुछ पत्तियाँ इसकी टूट भी गई हैं इस तरह। और ये जब आई थी कटिंग वो बहुत ही फ्रेश थी, अभी भी ठीक है लेकिन वैसी नहीं थी है जो फ्रेश लग रही थी उस दिन। और अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग में रूट हार्मोन भी लगा सकते हैं, मैं तो इसे डायरेक्ट ही लगाने वाली हूँ। और एक हफ्ते में मैंने इसे देखा कि इसमें रूट आ गई हैं, यहाँ दिख रहा है ये नई रूट्स आई हैं इसमें, एरियल रूट है इनकी, ये भी थोड़ा, ये तो पानी के अंदर ही बढ़ी हैं, ये देखिए ये नई आई है यहाँ से। ये देख रहे हैं ये सब नई रूट है इनकी, तो मैं इसे गमले में लगाने वाली हूँ अभी। इसे हम थोड़ा थोड़ा काट के निकाल दे रहे हैं, ये हो गया इस तरह। यहाँ
से कट कर दे रही हूँ। इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। अब ये हो गई, मैं इसे यहाँ लगाऊंगी। ये हो गया, मैं इसकी 3-4 कटिंग लगाने वाली हूँ। किसी वजह से अगर कोई एक आंख नहीं लगी तो 3-4 में एक दो तो लग ही जाएंगी, वैसे लग जाएंगी, इसमें नहीं लगने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं कर रही हूँ ये। अब मैं इसे यहाँ से कट करूँगी। इसे मैं इधर लगाने वाली हूँ। अब मैं इसे यहाँ लगाने वाली हूँ। मैं 2-3 जगह इसे लगाऊंगी और इसमें जब अच्छे से ये ग्रो कर जाएंगी तो फिर इसे मैं नए प्लांट में लगाने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इन्हें ऐसे ही लगाऊंगी, बाद में इसे रिपोर्ट करूँगी मैं। एक मैंने यहाँ लगा दिया, इसमें एक दो और मैं दूसरी जगह लगाने वाली हूँ। अभी इसमें मैं वाटरिंग कर दूँगी एक बार और फिर मैं देखूँगी जब इसे पानी की ज़रूरत होगी, जब इसकी मिट्टियाँ हल्की सूखेंगी, इस टाइप की भुरभुरी हो जाएंगी, मतलब पानी इसमें इस तरह होना चाहिए जिससे चिपचिपी गीली ना रहे मिट्टी, तब मैं फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी। ये निकाल दे रही हूँ, पत्तियाँ इसकी ऐसे भी ख़राब हो गई हैं, फिर इसे मैं हटा देती हूँ। इसे मैं निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और हाँ शेयर भी करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कुछ कमेंट्स करना है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, आप पूछ सकते हैं मुझसे। सी यू अगेन फ्रेंड्स।